हे गाइस, दिस इज गौरव वाधवा और आज मैं करने वाला हूँ व्हाट्स इन माय फोन विद टाइम्स ऑफ इंडिया। वॉलपेपर आप देख सकते हैं, ये कुछ ग्लिटरिंग स्टार्स टाइप कुछ है। सो ये बहुत सिंपल है एंड बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स है। ओके, सो इट इज 3567 कॉन्टैक्ट्स। मैं बता सकता हूँ, एक दो तीन चार, आई थिंक जो डिफॉल्ट ऐप्स हैं अगर उनको हटा दिया जाए तो ये मोस्टली आई हैव 25 to 30 ऐप्स। मैं फ़ोन ही नहीं उठाता हूँ एक्चुअली, लोगों को सबसे ज़्यादा कंप्लेन यही है। तो मैं जनरली अगर अननोन नंबर से मेरा कॉल आएगा तो मैं कॉल नहीं उठाता हूँ जब तक वो कॉल तीन चार बार ना आए। एंड मैं जानता हूँ जो लोग जिनको ज़्यादा अर्जेंट है या जिनको मैं नहीं जानता हूँ, उनको अगर मुझसे बात करनी है तो या कोई काम का है तो वो डेफिनेटली एक टेक्स्ट ड्रॉप करते हैं। सो मैं टेक्स्ट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं उठाता हूँ, या अनलेस कुछ ज़्यादा ही मुझे अगर गट फीलिंग है तो मैं ट्रू कॉलर पे, अगर मैं कोई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कॉल तो मैं ट्रू कॉलर पे मेक श्योर करता हूँ कि ये वही हैं, देन मैं कॉल बैक करता हूँ। बहुत सारे मैक्सिमम, आई थिंक फ्रेंड्स का नाम फ्रेंड्स के नाम से कौन सेव करता है, बहुत अजीब अजीब नाम से मैंने नाम सेव किए, मैं बता भी नहीं सकता आप लोगों को कैमरे पे। सो मोस्टली जो 50% जिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी रेगुलर बात होती है उनके नाम उल्टे सीधे ही हैं, ओनली बॉलीवुड एंड दैट टू 90s बॉलीवुड। मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ 90s का, जो वो सॉन्ग्स हुआ करते थे, आई थिंक वो मैजिक अभी मुझे फील नहीं होता है गानों में, तो वो गानों की बात ही कुछ अलग है। ऐसा लगता है पुराने टाइम में वापस चले गए हैं, बचपन के दिन मुझे काफ़ी याद आते हैं। सबसे पहला कॉल मैंने हमारे EP जी को किया था और उनको मैंने बोला था इज़ इट फाइन कि अगर मैं 20 मिनट लेट आऊँ तो। सबसे पहला कॉल मेरा भाई का आया था, निर्भय का आया था, वो भी एक एक्टर हैं। सो उन्होंने मुझे कॉल किया था क्योंकि वो जयपुर में थे तो किसी अपडेट के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। आज का एक सेल्फी तो मैंने नहीं लिया लेकिन एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने लिया है, जो हम लोग शूट करते वक्त अर्जुन भाई ने मुझे बोला कि वीडियो ऑन कर, और क्योंकि दादी सो रही थी तो वो एक वीडियो है फनी सा, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये हमने रिवाइंड करके दिखा था, वहाँ पे दादी सो रही थी एंड उनको डिस्टर्ब किया गया। सो ही यू गो अगेन, तो दादी का जो रिएक्शन था वो बहुत ही अमेजिंग था। सो ये आज का वीडियो है, फैमिली फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक फ़ोटो बहुत करीब है मेरे दिल के, फैमिली फ़ोटो तो नहीं है वो, मेरी मम्मी की फ़ोटो है एंड अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे कुछ टाइम पहले ही, सो बहुत टाइम तक ये मेरा वॉलपेपर भी था। सो ये फ़ोटो हमेशा मेरे फेवरेट्स में टॉप पे रहती है। मैं खुश रहूँगा यार, इनफैक्ट अगर मुझसे पूछा जाए तो बिना फ़ोन के मैं काफ़ी खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फ़ोन पर्सन हूँ नहीं। मैं ऐसा नहीं है कि ऑलवेज़ ऑन फ़ोन रहता हूँ या मैं किसी को कॉल करता हूँ या टेक्स्टिंग दिन भर करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत लिमिटेड बात करता हूँ, बहुत काम की बात करता हूँ। सो अगर फ़ोन मेरे पास नहीं होगा तो मैं खुश रहूँगा। लोग यही बोलते हैं कि बिग बॉस में जाएंगे तो विदाउट फ़ोन कैसे सर्वाइव करते हैं ये लोग, मैं तो बहुत खुशी खुशी करूँगा। मुझे ऐसा लगेगा, अब मुझे मेरा ऐसा मानना है कि हमारी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है वो तब से ज़्यादा हो गया जब से स्मार्टफोन्स आ गए हैं। जब पहले कीपैड वाले फ़ोन्स हुआ करते थे, सिर्फ कॉल्स आते थे या कभी कभी SMS आते थे, तब इतनी टेंशन्स नहीं होती थी। आजकल सब कुछ इतना ईजी है, शेयर करना, बातें करना एंड वीडियोज़ भेजना, ये सब कुछ, और इसी के साथ टेंशन्स भी बहुत सारी आती हैं। सो विदाउट फ़ोन मैं बहुत खुश रहूँगा एंड आई एम श्योर अबाउट दैट।